तो वेल हम लोग ने सीख लिया कैसे क्रैक करते, दो मेथड सीखी WPA WPA2 की। अब हम लोग बात करते सिक्योरिटी वाइज, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्रैकिंग इसीलिए सीखा है ताकि आपको सिक्योर करना आ सके। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली डिसेबल करना है WPS। आपको फाइंड करना है WPS एंड उसको डिसेबल करना है। ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है महंगे से महंगे राउटर में। आप देख सकते हो स्काईवोथ का राउटर कितने का आता है, एंड ऑब्वियसली ये नॉर्मल राउटर नहीं है, 4 एंटीना वाला है। ये आपको चेंज करना है। दूसरा WPA2 एनक्रिप्शन में आपको TKIP प्लस AES सिलेक्ट करना है, एंड या फिर आपको क्या करना है, या फिर आपको सिलेक्ट करना है CCMA करके रहेगा, वो सिलेक्ट करना है इनक्रप्शन, वो बेटर है TKIP से। वो महंगे वाले राउटर्स में होगा। दूसरा WPA नॉर्मल वाला आपको डिसेबल कर देना है, एक ही रखना है आपको, WPA2 ही रखना है। ये आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ आप कर सकते हो, SSID को हाइड कर सकते हो। SSID हाइड यानी आपको राउटर का नाम दिखेगा नहीं, एंड कोई भी स्कैन करेगा उसको नहीं दिखेगा। जब भी आपको कनेक्ट करना है आपको कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा फायरवॉल है तो फायरवॉल सेटिंग्स में आपको सब अनेबल करना है, एंड ये सब आप अगर बंद करोगे कुकीज़ बुकीज़ तो ब्राउज़र में प्रॉब्लम आएगी एंड कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप एडवांस यूज़र नहीं हो तो आप ये मत ही करो, मैं ऐसा बोलूँगा। अगर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो तो आप कर सकते हो, आपको पता चलेगा क्या ब्लॉक हो रहा है क्या नहीं, एंड जब चाहिएगा तो आप निकाल पाओगे। तीसरी चीज़ आपको करनी है मैक एड्रेस फिल्टरिंग। मैक एड्रेस फिल्टरिंग क्या होता है, बेसिकली आप राउटर को बताते हो कि क्या क्या डिवाइसेस अलाउड है कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया वन प्लस कनेक्ट होगा, या फिर मेरा मैक कनेक्ट होगा, आई मैक, या आपके पास कुछ और रहेगा, आपके पास लिमिटेड डिवाइसेस है। सपोज़ आपके पास एक फ़ोन है, दो लैपटॉप है, तो आप उसको बता सकते हो, खाली इतने लोग ही कनेक्ट कर सकें। बाकी अगर किसी को पासवर्ड मिल भी गया तो फर्स्ट प्लेस में वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो, पासवर्ड अगर क्रैक भी हो गया तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ एडमिन पैनल चेंज करो मेन, तो एडमिन पैनल का पासवर्ड सिर्फ एडमिन एडमिन रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो। कोई भी अंदर घुस के ये सेटिंग्स चेंज कर लेगा। ये सेटिंग्स तब काम करेगी जो मैंने अभी बताई है, जब आपके एडमिन पैनल का पासवर्ड चेंज होगा। अगर एडमिन पैनल का पासवर्ड ही डिफ़ॉल्ट है एडमिन एडमिन या एडमिन पासवर्ड, तो सेटिंग्स कोई भी वापस से नॉर्मल कर देगा एंड सब कुछ कर सकता है। यहाँ से पासवर्ड जनरेटर से आप पासवर्ड जनरेट कर लो, एंड ऐसा कुछ पासवर्ड रख लो, इसको सेव करके रख लो उसके बाद।